स्वागत है आपका हमारे को नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताएं कि आप फास्ट बॉलर को कैसे खेल सकते हैं। अब में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए कि हमें फास्ट बॉलर को खेलने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो में पूरे डिस्कस से मैं बताऊंगा कि आप कैसे फास्ट बॉलर को खेल सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फास्ट बॉलर को खेलते समय जो सबसे दो मेजर प्रॉब्लम आती है, वो पहली जो चीज़ आती है वो अक्सर बैट्समैन को ना चोट लगने का, इंजरी लगने का डर रहता है, इस वजह से वो शॉट नहीं खेलता। और जो दूसरा जो चीज़ होती है वो पेस, जो इस बॉल की जो स्पीड होती है, उस वजह से बैट्समैन बीट हो जाता है और इस वजह से फास्ट बॉल नहीं खेल पाता। तो पहला रीजन है इंजरी होना, बहुत डर लगता है बैट्समैन को, इस वजह से बॉल नहीं खेल पाता। दूसरी चीज़ है स्पीड। तो इन सब चीज़ से आप कैसे हाई स्पीड बॉल नहीं खेल सकते, जो पहली गलत चीज़ हो जाती है वो आपका फुटवर्क। फास्ट की वजह से क्या होता है, फास्ट की वजह से होते हैं आपकी जो रिफ्लेक्शन हो जाते हैं ना, वो बहुत स्लो हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन स्लो हो जाते हैं तो आप बॉल को पहले से कवर नहीं कर पाते और आप शॉट कंप्लीट करते हैं, तो उसमें तो या तो एज लगता है या आपका स्लिप पे कैच होता है, जिससे आप आसानी से आउट हो जाते हैं। तो ये तो मेजर चीज़ आती है जिससे आप फास्ट बॉल खेलने में आप नहीं खेल पाते। अब मैं कहूँगा कि आप जितने भी गियर होते हैं क्रिकेट के, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आप सारे पहन के ही नेट्स में बैटिंग जाएं। और आपको जब सारे गियर्स पहन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बॉल को खेल पाएंगे। और जो सेकंड चीज़ आती है, बॉल की स्पीड से बीट होना, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि आप अपने फुटवर्क, और आपके फुटवर्क इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है कि आप बॉल की लाइन में जाएं और उस लाइन पे जाके बॉल को खेलें। अगर आप खड़े खड़े उस बॉल को खेलेंगे तो या तो आप एल भी होंगे या एज लग के स्लिप पे जाएगा। तो आपको फुटवर्क इंप्रूव कैसे करना, आप कैसे अपने रिफ्लेक्शन तेज कर सकते हैं जिससे आप स्पीड बॉल को कवर कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं, इस चीज़ को आपको ध्यान और नोटिस करना, आपको प्रैक्टिस में यूजली इसे यूज़ करना है। तो सिंपली वो चीज़ है, आपको मेरा ये वाला पैर देखना, इसे बोलते हैं ट्रिगर मूवमेंट। अभी मैं करके दिखाऊंगा ट्रिगर मूवमेंट। जब भी बॉलर रनअप में हो तो आपको सिंपली ऐसे स्टंप देना, और ये वाला पैर, सबका ट्रिगर मूवमेंट अलग अलग होता है, ये वाला पैर चलेगा, फिर उसके बाद ये वाला पैर लाइन में, बॉडी बॉल की लाइन में निकलेगा जिस लाइन में बॉल होगी। तो ये हो गया ट्रिगर मूवमेंट। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी हम शॉट कंप्लीट करने जाते हैं, शॉट जैसे कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी बिल्कुल उसमें आ जाती है लाइन में, जिससे हम आसानी से शॉट खेल सकते हैं। अगर हम पहले से ट्रिगर मूवमेंट नहीं लोगे, ऐसे खड़े होंगे, तो हमारी बॉडी लेट हो जाती है। लेट होने से क्या होगा कि हम शॉट मिस करेंगे, उसमें या तो एज लगे या टाइम नहीं कर पाएंगे शॉट को। तो ये दो रीजन है जिससे आप हाई स्पीड बॉल को नहीं खेल सकते। मैंने आपको चीज़ें बता दी आप कैसे इनसे बच सकते हैं और क्या क्या इसका सॉल्यूशन है। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, आप कुछ इस तरीके से फास्ट बॉलर को खेल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तब तक के लिए खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया।